intéressant. हाँ, स्वस्ति भंडारी बताइए, पिछली क्लास में कहाँ तक हुआ था? सर, टाइप्स ऑफ इंट्राहेलोजन कंपाउंड आपने बस लिखवाए थे। टाइप्स ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड पूरा नहीं हुआ था। इंटरहैलोजन कंपाउंड लिखा दिया था, एक्स एक्स डैश टाइप लिखवा दिया था। यस सर, ये लिखा दिया था। पॉइंट सब नहीं लिखाया था, रिमार्क्स वगैरह नहीं लिखवाया था, नहीं लिखवा दिया था कि दे आर प्रेजेंट इन ऑल थ्री स्टेट के लिखवाया था। अतः ये पहला पार्ट स्वस्ति बताइए, दे आर प्रेजेंट इन ऑल थ्री स्टेट। अरे आसिया स्वस्ति सब मतलब लिक्विड सॉलिड इंटर हैलोजन कंपाउंड तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, लिखवाया था। नो सर, लिखा था। एआर कोवेलेंट मॉलिक्यूल सारे लोग लिखे। इंटर हैलोजन कंपाउंड उसको कहते हैं जो पिछली क्लास में नहीं थे। इंटर हैलोजन कंपाउंड दो डिफरेंट हैलोजन के बीच वो चार तीन फोर टाइप्स का होता है, एक्स एक्स थ्री टाइप, एक्स एक्स फाइव टाइप्स, एक्स एक्स डैश, यानी दो डिफरेंट हैलोजन होगा। आपको ऐसे भी मालूम है एक्स टू हैलोजन होता है, तो दो डिफरेंट हैलोजन के बीच में जो कोवेलेंट कंपाउंड बनता है उसको हम इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ऑल थ्री स्टेट, इंटर हैलोजन तीनों में पाया जाता है, दे आर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। दूसरा, दे आर डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक उसको कहते हैं जिसमें ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर, दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। आप सबका इलेक्ट्रॉन, जैसे आपको कोई पूछते ICL, आप दोनों के इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए इवन नंबर, जो 11th में या 12th के भी सॉलिड स्टेट में पढ़ चुके हैं और केमिकल बॉन्ड में भी मैं पढ़ा चुका हूँ कि आप पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए, अगर इवन नंबर में आए तो डायमैग्नेटिक, दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर। सबको समझ में आ रहा है? स्वस्ति, आसिया, लक्ष्य, अनुभव, जोशी। यस सर, यस। इंटर हैलोजन कंपाउंड ये सब टाइप आपको याद रखना, चार टाइप होता है, ये लिखवा दिया था। अब ये पॉइंट सब लिखिए, ये सब पर क्वेश्चन सब आएगा। इंटर हैलोजन कंपाउंड के बारे में चार स्टेटमेंट लिख देगा, कहेगा बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। लिख लिया सारे लोग, बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़े यशवर्धन जी, सब लोगों ने लिख लिया, आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए, अब और से सुनिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, ये आपको दे देगा कि मेरे साथ साथ लिखिए, सब समझ चुके हैं, सब लोग मेरे साथ साथ लिखते रहिए। इंटर हैलोजन कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन हैलोजन मॉलिक्यूल, मोर रिएक्टिव देन इट्स corresponding हैलोजन मॉलिक्यूल। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैलोजन मॉलिक्यूल जानते हैं, एक्सेप्ट एफ टू। अब ये इतनी दफा तुम पढ़ चुके हो, मुझे लग रहा है कि तुम्हें जुबानी हर परमानेंटली याद हो जाएगा, क्योंकि याद है ना एफ सेकंड पीरियड में होता है तो लोन पर होता है तो रिपल्शन होके बॉन्ड वीक हो जाता है, याद है ये लाइन? सेकंड पीरियड पर लोन पर रिपल्शन। यस यस,
एक मिनट बस रुकिए, मैं आपकी थोड़ा सी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आपको कहेगा आई सी एल, इंटर हैलोजन है, सी एल टू कहेगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आई सी एल, क्यों, इसमें बॉन्ड वीक है, डिफरेंट क्या कहते हैं, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवर लेपिंग है, यहाँ तो 3p3p सेम टाइप एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवर लेपिंग। आपको आई सी एल और आई टू दे दे, आई सी एल ज्यादा रिएक्टिव, हाँ आई सी एल और एफ टू दे दे तो एफ टू ज्यादा रिएक्टिव, ये है। मान लिया सी एल एफ थ्री है, इंटर हैलोजन कंपाउंड है, आपको मान लिया दे दे सी एल टू दे दे, सी एल एफ थ्री है, यही सी एल एफ थ्री है और एफ टू दे दे तो एफ टू ज्यादा रिएक्टिव है। इंटर हैलोजन कंपाउंड खुद एनसीईआरटी के इंडेक्स का क्वेश्चन है, व्हाई आई सी एल इज मोर रिएक्टिव देन सी एल टू या आई टू, और आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देगा। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड अपने करस्पॉन्डिंग हैलोजन मॉलिक्यूल से ज्यादा रिएक्टिव होता है एक्सेप्ट ओवरऑल। अच्छा आप देखिए ये लाइन जब लिख दिया तो अच्छा एग्जाम है, मैं ओवरऑल एक ऐसा पॉइंट लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। ऑर्डर ऑफ, अब लिखना शुरू कीजिए, एकदम लिखिए, समझ में आया ना जो मैं समझाना चाह रहा था, तो आया समझ में सबको, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव एफ टू होगा, उसके बाद इंटर हैलोजन कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इंटर हैलोजन overlapping between full form में लिखेगा, AO का मतलब atomic orbital, RCA और L का मतलब AO का मतलब atomic orbital, overlapping between two different atomic orbital is not effective, इसलिए bond weak होता है, it's not effective।
हेलो स्टूडेंट, लिया बताइए, सब लोगों को समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक मैं थोड़ी सी और प्रैक्टिस करा देता हूँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको और अच्छे से आ गया। देखिए, हम लोगों ने ऑक्सी एसिड पढ़ा था, याद है? हाइपोहैलस, हैलस, हैलिक, परहैलिक। बताओ सारे लोग, सशक्त बताओ, पढ़ा था ना? हेलो एवरीवन। प्लस प्लस वेरी गुड, प्लस थ्री, प्लस फाइव। अभी मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, जब जैसे मैं बोलूँ प्लस वन वाली ऑक्सीडेशन स्टेट तो तुम समझ जाओगे ऑक्सी एसिड, तो एच एक्स होगा, प्लस थ्री वाली तो हैलस होगा, प्लस फाइव वाली तो हैलिक होगा, प्लस सेवन वाली परहैलिक होगा। ये पहले दिमाग में सेट कर लेना। एक दफा और, प्लस वन वाली ऑक्सी एसिड हाइलोजन में कौन होता है? हैलस एसिड। प्लस थ्री वाली क्या होती है? हैलस एसिड, प्लस थ्री वाली। प्लस फाइव वाली कौन होती है? हैलिक एसिड। प्लस सेवन वाली ऑक्सी एसिड कौन होती है? परहैलिक। अब देखो ये पूरे आ जाएगा ना, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखो तुमसे पूछेगा, हाइड्रोलिसिस हम लोग कर चुके हैं, एक दफा मैं रिवीजन भी करा देता हूँ। हाइड्रोलिसिस के लिए कंडीशन है कि वन एटम शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट पी या वैकेंट डी होना चाहिए, और देयर शुड बी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो देखो एनसीईआरटी की खास बात है, ग्रुप 16 में तुम पढ़े थे SF6 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, SEF6 हाइड्रोलाइज्ड, TEF6 इज हाइड्रोलाइज्ड। स्टेरिक क्राउडिंग यहाँ नहीं लेंगे, स्टेरिक क्राउडिंग सिर्फ यहाँ लेते हैं, क्योंकि सेंट्रल एटम की साइज बढ़ती है तो क्राउडिंग घटती है, तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। अब आओ, अब प्रोडक्ट भी बनाने का तरीका आपको बता दिया था, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो तुम रिएक्शंस को कैसे याद रखते हो, उसके लिए ट्रिक्स मैं दे देता हूँ, गौर से सुनो। तो किसी भी इंटर हैलोजन कंपाउंड का जब तुम हाइड्रोलिसिस कराओगे वाटर के साथ रिएक्शन, तो दो प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा हैलोजन एसिड, और हैलोजन एसिड का मतलब होता है, जब भी केमिस्ट्री में हैलोजन एसिड बोला जाए तो आपके पास माइंड में वही आना चाहिए, HF, HCl, HBr और HI, ये होता है हैलोजन एसिड। अब देखिए हैलोजन एसिड में जो हैलोजन होगा वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। अब दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा ऑक्सी हैलोजन एसिड, वही हाइपोहैलस, किसी ने हैलस, हैलिक किसी ने पर हैलिक, ऑक्सी हैलोजन एसिड विच इज ऑल्सो कॉल्ड केवल ऑक्सी एसिड। इसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला हैलोजन होगा, तो इसमें लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला, इसका तरीका। अब देखो कैसे, जैसे मान लो तुम्हारे पास दे दिया ICl है और एग्जामिनर दे दिया ये है, कहेगा प्रोडक्ट बना, तो बताओ ICl में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन है, बताओ सारे लोग मिलकर। हाँ जाना, तो तुम इससे HCl बना दो, मामला खत्म। प्लस आयोडीन पर प्लस वन है तो प्लस वन वाली ऑक्सी एसिड बना दो, हाइपोहैलस मतलब HIO, हाइपो आयोडस, दिस इज स्टाइल, यू नो। ICl3 दे दे, H2O है तो HCl बनेगा, प्लस प्लस थ्री वाला है तो प्लस थ्री वाला कौन था? हैलस, हैलस HIO2। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताओ। ये सब अब इनऑर्गेनिक यही सब, आप बच्चे इसी को पढ़ पढ़ के थक जाते हैं, कितना याद करें, कितना याद करें। देख इस रिएक्शन से इसलिए समझाया गया कि आपके अंदर हिम्मत रहे, आपको ये नहीं है कि हमको नहीं आता, आपको आएगा, सब आएगा, मेहनत करने पर सब आपको आएगा। यहाँ देखिए, जैसे मान लिया आपको कोई कह दे BrF5 है, तो सबसे पहले देखिए इतना दफा कर लीजिए कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाँ भाई इंटर हैलोजन है, सर ने कहा था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से तुम हैलोजन एसिड बना दो, और Br पर प्लस फाइव है तो प्लस फाइव वाला हैलिक होता है, और हैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है HBrO3। बैलेंस ऑफ कर लेंगे, देखिए कोई कह गया सर बैलेंस कैसे होगा, 5 से 4 5 है, 5 हो गया, और आपके पास कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज स्टाइल, सब कुछ हो सकता है आपसे। अरे बोलिए ना, हेलो हेलो एवरीवन, यस। आपसे कोई भी कह दे IF7 है, मान लिया कोई कह दे वाटर हाइड्रोलिसिस है, तो पहले समझ लीजिए इंटर हैलोजन है, मन में रिपीट कर कर के प्रैक्टिस करना चाहिए। इंटर हैलोजन है, हाइड्रोलिसिस है, दो प्रोडक्ट बनेगा, हैलोजन एसिड बनेगा, ऑक्सी एसिड बनेगा। तो सर ने कहा था HF बना लो, और हैलोजन एसिड प्लस सेवन वाला है, पर हैलिक HIO4 बना लो, दिस इज स्टाइल। बोले आया सब कुछ विदाउट टेंशन, इनऑर्गेनिक विदाउट टेंशन तभी होगा कि उसके लिए जो टीचर पढ़ा रहा है उसके नोट्स को बनाइए, पर डे प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ने का मन करे तो NCERT पढ़िए, ऐसे आप नोट्स बना के पढ़िए तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। का मन हो NCERT के अलावा कोई वक्त बर्बाद मत कीजिए, आपसे सारे क्वेश्चन उसी से आएंगे, लिखने सारे।
सबको समझ में आया कि नहीं? ये ट्रिक सबको समझ में आया, सच सच बोलिए, अच्छे से बोलिए और सच सच बोलिए, भगवान को हाजिर नाजिर करते हुए बोलिए, समझ में आया या नहीं आया बोलिए ना। यस वेरी गुड वेरी गुड। यशवर्धन तुमको लगता नहीं आया, लक्ष्य को भी नहीं आया लगता है, लक्ष्य आ रहा है ना लक्ष्य? यस सर। गुड 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 वेरी गुड। बस संडे एक लास्ट क्लास लेके मैं चैप्टर खत्म, मंडे से ऑर्गेनिक शुरू होगी, मंडे से एक क्लास और लेंगे। हमने ग्रुप 15 का दो प्रैक्टिस सेशन लिया, ऐसे मैं सारे ग्रुप करूंगा, फिर जैसे ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा तो हम ई ब्लॉक का रिवीजन कैसे करेंगे, मैं आपको स्टाइल बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, तो उसी ट्रिक्स पर रखिएगा तो आपको जुबान आएगी। ये सब चैप्टर आपका टाइम बचाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखते ही आपके माइंड में आ जाएगा कोई, यही टाइम बचेगा तो आप दूसरे सब्जेक्ट में इस्तेमाल करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे, टाइम मैनेजमेंट को भी देखना है। ऑर्गेनिक जैसे स्टार्ट होगा मैं आपको तरीका बताऊंगा कि उसका रिवीजन कैसे करना है। दो वीडियो लेक्चर प्रैक्टिस सेशन का हो चुका, एक में आप लोग थे एक में नहीं थे, तो वो देखिए, निष्कर्ष सर से मांगिए, ग्रुप 15 का दो प्रैक्टिस सेशन। चलिए स्लाइड लिख लिया तो भैया। यस सर डन। बहुत अच्छे अनुभव आप लिख लिया था, आशी आपने लिख लिया था? यस सर। जिस रिएक्शन को है एकाध दो रिएक्शन है जिसमें मैंने आपको कहा है कि उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, बाकी सारी 90-95% रिएक्शन का ट्रिक्स दिया गया है कि अगर आपको याद है एक दफा पढ़ लिया तो आपको ज्यादा परेशानी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए लिख लिया तो बताइए। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आप इसका एंड होने वाला है, तो ये पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई आपकी। अब इसमें सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, बहुत ही है, और उसमें सबसे है दो ही कंपाउंड पढ़ना, जैसे ग्रुप 15 में आपने अमोनिया पढ़ा, N2 पढ़ा और HNO3 पढ़ा, उसमें सबसे ज्यादा HNO3 था, और दो तीन और था जो मैंने आपको नोट्स दे दिया। 16 में समान, 16 में कोई रिड्यूस नहीं किया गया, 16 में तमाम पढ़ा दिया गया, O2 SO2 और ओसो, ये सब कंपाउंड तो और इम्पोर्टेंट है। चार तीन सात इसमें दो पढ़ना, HCl बहुत आसान, HCl में 4-5 मिनट लगेगा, मेन क्लोरीन 7-9 कंपाउंड है। मैं पूरा सीरीज ही ये 9 कंपाउंड पर तो मैं और आपकी PhD करवाऊंगा, प्रैक्टिस सेशन इतना करा दूंगा कि आपको याद हो जाए, क्योंकि असल में यही सब बच्चे पढ़ते नहीं है, एक एक यूजेस वगैरह सबको ABCD टाइप में करा कर आपको याद करा दूंगा। बस आप थोड़ा सा घर पर सेल्फ स्टडी करते रहिए, मजा ले लेके पढ़िए। चलिए अब देखिए क्लोरीन, क्लोरीन में सबसे पहले आइए मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1 डीकेम्स प्रोसेस। अच्छा सर, जैसे नाम आता है तो मेरी आदत है पहले सारे लोग मिलकर बोलिए कौन सा प्रोसेस है, डीकेम्स प्रोसेस। ये अपने आप में क्वेश्चन हो गया, अब आइए थोड़ा सा रिपीट करते हैं, एक मिनट जाइएगा। देखिए अमोनिया की फॉर्मेशन आपने पढ़ा हाइबर्स प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन ऑस्टवॉल प्रोसेस, आपके पास है H2SO4 की प्रिपरेशन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, डीकेम्स प्रोसेस Cl। ये अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है आपको कॉलम दे दे और इधर कॉलम ए कॉलम बी दे दे, कंपेयर करो कौन है, चारों यही नाम सब दे देगा आपको, क्या है सबका नाम। अच्छी बात यह कि चारों में कैटेलिस्ट भी पूछ सकता है, हाइबर्स प्रोसेस आयरन ऑक्साइड विद L2O3 एंड K2O, ऑस्टवॉल प्रोसेस प्लैटिनम विद क्या कहते हैं रोडियम, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5, अभी डीकेम्स प्रोसेस में भी कैटेलिस्ट है। जैसे डीकेम्स प्रोसेस है आपके माइंड में पी ब्लॉक में कितनी प्रोसेस है ना, आपके माइंड में सब इतना पढ़िए कि आपको सब कुछ इमेज आ जाए, हाइबर्स डीकेम्स कॉन्टैक्ट ऑस्टवॉल प्रोसेस, यही चार प्रोसेस है प्रिपरेशन से, नाम से नाम से, हो सकता है इसी को कॉलम मैचिंग में भी दे दे आपको। डीकेम्स प्रोसेस एक ही लाइन में लिखा सर, Cn2 is prepared by द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ HCl, बस एक ही लाइन है, एक ही लाइन से इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट
क्यूप्रिक क्लोराइड, बस एक ही लाइन है, बहुत आसान है। सीएल है और उसका ओटू के साथ ऑक्सीडेशन करा दीजिए, CuClO2 है, टेम्परेचर याद रहे है तो अच्छी बात है, H2O है प्लस CuClO2 के मामला, दिस इज आसान फॉर CuClO2 प्रोसेस में क्लोरीन की प्रिपरेशन करते हैं, क्या क्या लेते हैं, HCl लेते हैं, एक लाइन, चार प्रोसेस हैं, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों पर ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कौन सा प्रोसेस किसके लिए एप्लीकेबल है, किस प्रोसेस में क्या बनाते हैं, चारों में कैटलिस्ट का नाम याद रखिए। अभी सबको समझ में आ रहा, मानस विंशा, तो हम मंडे से ये हम संडे क्लास लेंगे ही, ग्रुप 18 खत्म कर देंगे, आपको ग्रुप 18 में पूछा है ना, आज ही ग्रुप 18 शुरू भी हो जाएगा, आप जल्दी करें। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? कुछ तो बोलिए, लिख लिया? हेलो एवरीवन, यस, अच्छा अब आइए, अभी लिखिए मेथड प्रिपरेशन में पहला मेथड था, अब देखिए अब रुक जाइएगा दो मिनट, मेथड सेकंड, मेथड थर्ड, मेथड फोर्थ, मैं इसलिए लिख रहा हूँ इसके रिएक्शन को याद कैसे करेंगे। एक पहला देखिए MnO2 है प्लस HCl है, तीन चीज बनेगी, MnCl2 प्लस Cl, एक मिनट रुक जाइएगा, लिखेगा नहीं प्लस वाटर, ठीक है भाई। अब क्या तीसरे में क्या है, MnA2 ही रहेगा, HCl की जगह NaCl और H2SO4 का मिक्सचर ले लेगा, और आप यही तीनों बनाइए, MnCl2 Cl2 वाटर, एक एक्स्ट्रा कंपाउंड NaHSO4, NaHSO4, ठीक है भाई। फिर देखिए कैसे याद रखिएगा, KMnO4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग में बहुत अधिक हो चुका है, और HCl जानते हैं, यही प्रोडक्ट लिखिए, MnCl2 Cl2 वाटर, एक एक्स्ट्रा बना दीजिए KCl, आया समझ में, हाँ जाना जल्दी बता दो, हेलो हेलो हेलो, ये इस तरह सीक्वेंस में करोगे तो तुम्हें जल्दी याद होगा। तीनों में देखो, तीनों में वही चीज़ है, देख लो अच्छे से, तीनों में वही चीज़, आप देखो आप बैले, आप चलो आप लिखना शुरू कीजिए, बैलेंस करना बहुत आसान है, चार Cl है, चार से कर दो, जो बैलेंस डायरेक्ट हो जाए डायरेक्ट कर दो, MnO2 है तो इसमें चलो भाई प्लस टू है, प्लस टू से फोर है, टू और चलो ठीक है, सब कुछ बैलेंस है, प्लस टू से प्लस फोर टू Cl माइनस वन, ठीक है, टू को जरूर याद, MnCl4 है तो फोर NaCl कर दो, फोर NHSO4 कर दो, चार SO4 आ गया, ठीक है, और तो चार SO4 यहाँ कर दो, चार SO4 हो गया, प्लस टू, दिस इज स्टाइल, अच्छा मेथड में क्या है, ये हम स्पेशल रिएक्शन है, प्लस टू से प्लस फाइव, टू ये फाइव से कर दो, जीरो से माइनस वन से कर दो, हो गया सीएल, हो गया सीएल, हो गया एट एस टू, ये चार प्रेशर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है डीकेंस, लेकिन ये भी रिएक्शन सब याद रखिए, सब में मैंने आपको स्टाइल बता दिया कि तीनों में MnCl2 वाटर, MnCl2 वाटर, बस रिएक्टेंट याद रखिए, खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिख लिया तो बताइए।
कुछ बोल नहीं रहे हैं आप लोग, चुप है, लिख लिया। यस सर। अब देखिए इसकी एक एक प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ सीएल। क्या मैं आपको कलर पढ़ा चुका हूँ, क्लोरीन का कलर होता है जिस ग्रीनिश येलो। अब सुनिए इधर, ग्रीनिश येलो विथ पंजेंट डिस्मेल। देखिए जैसे पंजेंट डिस्मेल होता है, मेरी आदत है कि मैं आपका रिवीजन कराता हूँ पूरे पी ब्लॉक में। अब तक बताओ पंजेंट डिस्मेल अमोनिया था? सच सच बोलो, अगर किसी की याददाश्त है तो अमोनिया में पंजेंट डिस्मेल था, जल्दी बोलो सारे लोग। और SO2 में भी पंजेंट डिस्मेल था, और यहाँ क्लोरीन में भी पंजेंट डिस्मेल है। पंजेंट डिस्मेल है, अपने आप रिविजन करो माइंड, ये आप रिकॉल करते रहो, ये है तरीका। इसी पर एबीसीडी का क्वेश्चन हमने पहले सेक्शन में भी प्रैक्टिस सेशन में कराया, सेकंड वाला भी देख लीजिएगा, उसमें भी यही सब प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आपको कहेगा आइडेंटिफाई करें कि नहीं। तो पंजेंट डेसिमल है, ये पंजेंट डेसिमल, ठीक है। सफोकेटिंग समझाने की जरूरत होगी, मैं खुद बोल दूंगा, लेकिन ये सब पर ध्यान अनुभव लिख रहे हैं। और अनुभव कैसे हैं आप? अनुभव ठीक है सर, लास्ट क्लास भाई मैं सबमिट कर रहा था एक्चुअली। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं है, आप एकदम रेगुलर रहिए, आप इतने अच्छे आदमी 11th में थे, 12th में थोड़ा सा आइडियल बिहेवियर से डिविएट हो गए हैं आप। उसके दो रीजन हो सकते हैं, तो आपकी तबीयत बहुत खराब थी शुरू में, हो सकता है उससे इंटरेस्ट खत्म हो गया हो। चलिए कोई बात नहीं है, पाता है वही मोती जो छूता है गहरा में, मेहनत कर लीजिए आप। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना जल्दी बताएं। यस सर। अच्छा देखिए इसमें हम सर, आप बच्चे की तरह मैंने लिखेगा नहीं, अब ये रिएक्शन थोड़ी ना लिखाऊंगा AlCl3 बनता है, ये सब आपको बच्चे थोड़ी ना पूछेगा FeCl3 बनता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं लिखा देता हूँ, एक ही आप याद रखिए कि ये अगर दे देगा तो फिर हो सकता है आपको परेशानी हो। S8+Cl2 अभी मैं पढ़ा चुका हूँ SO2, और आप यहाँ CL2 है तो देखिए ये है सल्फर मोनोहलाइड, ये पढ़ चुके हैं ग्रुप 16 का मोनोहलाइड डायमेरिक होता है, याद है HCl डायमेरिक होकर HCl2 बनाता है, जो डिस्प्रोपोर्शन ये सब पढ़ चुके हैं, ओपन बुक लाइक शेप होता है सल्फर मोनोहलाइड, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने पढ़ा दिया, समझा दिए। बाकी तो मैं फिर नॉर्मल वाला रिएक्शन करते ही है, सब क्लोराइड बनाता है। चलो लिखें सारे लोग, उसमें से एक इंपॉर्टेंट ये है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैज ग्रेटर एफिनिटी व्हाट्स हाइड्रोजन हैज ग्रेटर एफिनिटी। और जैसे H2Cl2 सब मालूम है, इसमें भी हम वो आसान रिएक्शन सब नहीं ले पाएंगे, H2SO+Cl2। तो आप बताइए क्लोरीन को हाइड्रोजन से एफिनिटी है, बताओ HCl बना देगा तो अब बचा क्या, बताओ इसमें क्या बचा, जल्दी बताओ सारे लोग क्या बचा, हाइड्रोजन को खींच लिया तो क्या बचा? सल्फर। इसमें लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, C10H16 को एक नाम होता है टर्पेंटाइल, एक ट्री का नाम है, अब ये इंपॉर्टेंट है टर्पेंटाइल ट्राई से निकाला जाता है टर्पेंटाइन, ये इंपॉर्टेंट है C10H16, याद रखिए दिस इज इन योर सिलेबस। अभी इसको भी हाइड्रोजन से प्यार है, HCl बनाइए, बचा कुचा कौन है? कार्बन। जो इंपॉर्टेंट आप H2Cl2 थोड़ी ना मैं लिखाने जाऊंगा कि HCl बनाता है, तो आप सबको मालूम ही है, उसमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मैं आपको लिखा देता हूँ, वो पूछेगा
स्ट्रेस सीएल सल्फर टर्पेंटाइन क्लोराइड प्लस सीएल सीएल है 16 सीएल वो ब्रैकेट में जा रही है टर्पेंटाइन एक हाइड्रोकार्बन है इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद रखिए चलिए बताइए सब लोगों ने ये वाला पार्ट लिख लिया जल्दी बताइए हेलो एवरीवन यस सर आप सुनिए रिएक्शन विद अमोनिया ये सब रिएक्शन पूछ ली जा चुकी है अब उसमें वो पार्ट है पहला इफ अमोनिया इज इन एक्सेस अमोनिया एक्सेस में है आपको लिख देगा आप अमोनिया एक्सेस तो अमोनिया से रिलेटेड वाला कंपाउंड बना दीजिए NHO4 क्लियर है और एक एक्स्ट्रा याद रखना है समझ रहे ना अमोनिया एक्सेस रहेगा तो NHO4 से ऐसे भी बांधते हैं अमोनिया क्लोरीन के साथ अमोनियम क्लोराइड चलिए लीजिए सारे लोग बैलेंस करने का तरीका ये है कि देखिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है और 0 जब मैंने कहा था ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ना हो और चेंज हो तो ये आप बैक साइड से आप ये करें क्या करते हैं इसको बैलेंस करो क्लोरीन का -1 है यहाँ 0 है तो इन फैक्टर आपका वन हो गया 0 से -3 है इन फैक्टर 6 हो गया 6 से मल्टीप्लाइड कीजिए नाइट्रोजन 8 है 8 से मल्टीप्लाइड कीजिए आपको क्लोरीन 6 से स्टाइल अच्छा दूसरा है कि इफ क्लोरीन इज इन एक्सेस क्लोरीन इज इन एक्सेस क्लोरीन जब एक्सेस होगा तो अमोनिया है आपके पास प्लस क्लोरीन है एक्सेस में तो आपके पास जो बनेगा तो एक्सेस है अब क्लोरीन की हाइड्रोजन के साथ अफिनिटी है HCl और दूसरा है NCl3 ये वेरी एक्सप्लोसिव है अनस्टेबल लिखा चुका हूँ ट्राई अमोनिया के साथ रिएक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है अमोनिया एक्सेस हो NHO Cl और N2 बनाएगा और Cl2 जब एक्सेस हो तो Cl और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस बनाएगा अब आइए दूसरे रिएक्शन पर जिसमें मैं आपको टिप्स वगैरह दे रहा हूँ सारे लोग ध्यान आप लिख लिया तो बताइए यस सर लिखिए यशवर्धन मानसवीन आसिया माना जोशी आशीष सब लोगों ने लिख लिया यस सर यस सर अब मैं रिएक्शन विथ NaOH मैं आपको इस पर जितना स्टार पॉइंट बनाना है बना लीजिए कॉम्पिटिशन स्कूल एग्जाम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद करने का तरीका मैं आपको दे रहा हूँ प्रोसेस सुनिएगा अच्छे से उसमें पहला आप इसमें 3-4 रिएक्शन सुनिएगा अच्छे से अगर आपको दे दिया Cl2 है प्लस NaOH है लिखिएगा नहीं प्लीज पहले समझिएगा
और यहाँ पर लिख देगा कोल्ड डाइल्यूट एनएच, कोल्ड डाइल्यूट एनएच लिख देगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा रस। आप रस में याद करने का तरीका सिखा, मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर में पढ़ा चुका हूँ कि CL2 का वाटर के साथ जब रिएक्शन हो, और ये केमिकल रिएक्शन का ट्रिक्स है, जब आप थोड़ा सा रिएक्शन में फंस जाएं तो आप वाटर के साथ रिएक्शंस कराएं और Cl और HClO बना दें। अब बताइए दोनों एसिड हो गया कि नहीं, जल्दी बताओ। ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन, बताओ वाटर के Cl और HClO दोनों एसिड है कि नहीं, जल्दी बताएं। हाँ जान, यस कंटेनर में NaOH बेस है तो NaOH का रिएक्शन करा दो तो क्या बनेगा, Na इसका Na प्लस इसके Cl माइनस, इसका Na प्लस इसके ClO माइनस, NaOH इज स्टाइल वाटर बताओ। आया याद सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन, यस सर, बोलो ना, ऐसे तुमको पढ़ने में रट के पढ़ोगे तो याद नहीं होने वाला। अब तुम देखो रफ में Cl की वाटर निकाल दो, मैं तो बहुत 11 में इस चीज बताई थी आपको, N2O5 है और NaOH है, एसिड बेस रिएक्शंस है, तो समझ में नहीं आ रहा है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, ऑक्सी एसिड बना दो, HNO3 हो गया, बस इसका रिएक्शन करा दो, यही बनेगा NaNO3 प्लस वाटर, दिस इज द स्टाइल। तो आप कभी ये केमिकल रिएक्शन को पढ़ाने का तरीका है, चार पांच टाइप की रिएक्शन को अगर मैं पढ़ा दूँ तो आपसे तो 99% रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन अब उसके लिए तो टाइम नहीं है, जैसे जैसे आता है उसी तरह मैं बताता रहता हूँ, लेकिन ये टॉपिक है कि आप केमिकल रिएक्शन को कैसे कमांड करेंगे पूरे टॉपिक है, तो जहाँ मौका मिलता है मैं आपको उसी तरह ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि आपको याद रहे। तो CL2 इवन किए मैं आपको वो छोड़ दीजिए, मैं आपको जनरल व्यूज लिख देता हूँ कि किसी भी हैलोजन का, प्लीज सुन लो, और ये तो मैंने CL2 दिया क्योंकि आपके NCERT में है, लेकिन किसी भी हैलोजन का कोल्ड डाइल्यूट NaOH से जब रहे कोल्ड डाइल्यूट, और यहाँ पर ये याद रखिए ये जो X है वो फ्लोराइड है, बोरोनाइड है, हाइड्रोनाइड। सर फ्लोराइड क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का वाटर के साथ जो रिएक्शन था वो HF था और फ्लोरीन तो नहीं कर पाता है, इसलिए यहाँ देखिए उसमें यही Na, अब यही ट्रिक्स देंगे, यहाँ पर Cl की जगह X लगा दीजिए तो NaX बनेगा और NaX इसको कहते हैं सोडियम हाइपोहैलस, सोडियम हाइपोक्लोराइड। आप देखें बैलेंस करना चाहते देखें, और मैं ये भी लिख देता हूँ ये डिस्प्रोपोर्शनेशन, और आप पिछले प्रीवियस ईयर का पेपर देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्लोरीन का जीरो है, यहाँ माइनस वन है, यहाँ प्लस वन बढ़ रहा है, घट रहा है, बताइए ये ट्रिक सबको समझ में आया? हाँ आना जल्दी बता। यस सर, यस सर, हेलो, यस सर, अब आइए। इसका बी पार्ट है, अगर किसी हैलोजन का NaOH है, और सारे लोग पिछला स्लाइड लिख लिया था, हाँ जाना बता दीजिए एवरीवन, लक्ष्य आसिया यशवर्धन सब लोग, यस सर, यस सर,
अच्छा यहाँ पर आपको लिख देगा हॉट कंसंट्रेटेड। अब इसको कैसे याद रखेंगे, जब NOH हॉट कंसंट्रेटेड है तो अगेन रफ का इस्तेमाल करिए, X2 और वाटर का रिएक्शन करवा दीजिए। अगर ऐसे पूछे X2 वाटर तो आप यही बोलिएगा HX और HX2 वाटर, लेकिन हॉट के नाम से कंसंट्रेटेड है समझिए NOH बहुत ज्यादा है, HX तो बना ही है, दूसरा बना दीजिए HX2+5 वाला हाइड्रोजन, जबकि ये बनता नहीं है वाटर, वाटर में शुक रहेगा तो कोई भी कुछ यही बनाएगा, लेकिन हॉट कंसंट्रेटेड की वजह से आप देखिएगा अब क्या होगा, इसका Na इसके माइनस NaX, इसका Na इसके माइनस NaX2। दिस इज स्टाइल, इसको कहते हैं हैलिक, इसको हैलिक एसिड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। डिस्प्रोपोर्शनेशन की बैलेंसिंग या तो डायरेक्ट कर लें आप, तो आपको ट्रिक्स देंगे, -1 है और बार रिवर्स डायरेक्शन से करते हैं, -1 है यहाँ 0 है तो n फैक्टर आपका 1 है, यहाँ +5 है 5 से 0 है तो n फैक्टर 5 है, इसके तो 5 से 6 Na, 6 Na, 6 क्लोरीन तो 3, दिस इज स्टाइल। तो आया सर को समझ में आ जाना, हॉट कंसंट्रेटेड को देखते हुए यहाँ ऑक्सीजन बढ़ा देते हैं, NOH ज्यादा तो ऑक्सीजन भी ज्यादा, बोलिए ना हेलो हेलो, समझ रहे हैं ना। ऐसे कोई पूछे X2 वाटर में जाके HX ही बनाता है, लेकिन हॉट कंसंट्रेटेड की वजह से यहाँ मैंने आपको ट्रिक्स दिया HXO3 का। अब कोई बोल ही नहीं रहे हो यार तुम लोग, कुछ तो बोलो, हेलो समझ में आया? Yes, sir. फिर वही बात, यहाँ पर X जो है क्लोराइड ब्रोमाइड हाइड्राइड, ऐसे तो आपको एनसीईआरटी में लिख दिया हुआ है। इसलिए बोलिए हेलो एवरीवन, यस यस सर, सी पार्ट एंड क्लोरी एक्स विथ वाई सेलेक्ट लाइन, it gives bleaching powder
सबने ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुना है जल्दी बताओ। यस क्लियर बोलता है ये। हेलो एवरीवन। यस सर। अब सुनिए, लिखना मना है रोसेस सीएल टू है, आपको सलाइड लाइन का फॉर्मूला तो आपको मालूम है। अब देखिए इसका प्रोडक्ट कैसे बनाए। अगेन ट्रिक्स मैं दे रहा हूँ कि मैंने क्या कहा, जब भी आपसे क्वेश्चन ना बने आप सीएल टू वाटर का साथ ले कराइए तो बताइए HCl और HClO बनेगा। उस वक्त से मैं पढ़ा रहा हूँ, वो मैं ट्रिक्स देने के लिए मैंने कहा हॉट कंसंट्रेटेड है तो ऑक्सीजन ज्यादा वाला बना दीजिए आप। जनरली तो यही बनेगा। बोलिए हाँ, आया सबको समझ में। हेलो एवरीवन। अच्छा अब बताओ ये बेस है, ये एसिड है, बताओ सी ए का प्लस टू होता है। अब बताओ सी ए इसका सी एल से रिएक्शन करा दो, सी ए सी एल टू बनेगा, जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो हेलो हेलो। अब बताओ, देखो ट्रिक्स देखो, सी ए है और फिर इसका ओ सी एल ले लो। कोई रट नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत आसान, आप इसको देखना पड़ेगा, आपको एक दफा प्रैक्टिस करेंगे सर। आप इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? हर्ष साहब तो क्या बहुत ही अजीम शख्सियत हैं, आप बताएं। CaOCl2। ये जो लिखा हुआ ये नहीं सर, उसमें OCl2 होता है। लेकिन ये तो ये ब्लीच कहाँ बना हो, ये ब्लीचिंग पाउडर कह रहा है NCERT तो करा, ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये पूरा ब्लीचिंग पाउडर है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर में, हाँ आप सही बोला है, यहाँ देखिए पैसे इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ और सोचू। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में थोड़ा सा डाउट रहता है स्टूडेंट को, इसके बारे में दो बातें याद रखिए। अगर आपसे पूछे इंपेरिकल फॉर्मूला, CaOCl2, अच्छा इसको आप पूरा मिला दीजिए क्या बनेगा, Ca2 है तो Ca2, O2 है O2 है, Cl4 है, यही लिखेंगे मिला कर, जल्दी बोलो हाँ या ना। बोलो बोलो तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दो कॉमन ले लो, दिस इज स्टाइल यू नो, CaOCl2 बन जाएगा। बोलो हेलो एवरीवन। यस सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू एम्पिरिकल। एनसीईआरटी गलत नहीं लिखता है क्योंकि बच्चों को ये याद रहता है, वो देखता है ये एनसीईआरटी इसको क्यों कहा इंपिरिकल, तो कहिए ये भी फॉर्मूला है लेकिन ये इंपिरिकल फॉर्मूला। कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो ये ठीक से याद रखिए, ये इंपिरिकल फॉर्मूला है, ये भी आप ब्लीचिंग पाउडर कहेंगे अगर कहीं पर लिखा हुआ है, और लारेंगल ये भी ब्लीचिंग पाउडर, ये मॉलिक्यूलर क्या आपको ऐसे भी मालूम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इनटू इंपिरिकल फॉर्मूला। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एन इनटू इंपिरिकल फॉर्मूला, एनी प्रॉब्लम? हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है? यस सर। ये जितनी भी रिएक्शन एबीसी मैंने पढ़ाई है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ नॉर्मली मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाई है, एक एक क्वेश्चन एक एक आप कर देगा बन जाएगा। मैंने कोई चीज व्यस्त नहीं की है, रिएक्शन में सबको याद करवाया है, कोई मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकता। ऑर्गेनिक इस तरह पढ़ देगा तो मुझे उसका लक्ष्य आपको समझ में आ रहा है? लक्ष्य कोई डाउट तो नहीं हो रहा है ना आपको? तो सर
लिया तो बताइएगा। हेलो एवरीवन डांसर लिख लीजिए जल्दी से। हेलो एवरीवन। यस। अच्छा एक नई चीज भी बता देता हूँ कि आपको अगर आपसे पूछे कंप्लीट, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला की वजह से अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन फार्मूला तो बताइए, फार्मूला में भी मैंने आपको डाउट क्लियर करा दिया। कंपोजिशन जब पूछे तो आपको ये बस ये सीएमटी होता है और CaOCl होता है और सलाइड लाइन भी होता है और ये आपका कंपोजिशन है। इस फॉर्म में आपको याद रखना, सुना सारे लोग हाँ या ना। ये कंपोजिशन कंपोजिशन और इससे मिलकर वो बना है सर। चलिए हेलो एवरीवन लिख लिया। यस सर। यस सर। देखिए ऑक्सीडाइजिंग का ऑक्सीडाइजिंग नेचर आपको मैं पढ़ा चुका हूँ क्लोरीन के बारे में कि ऑक्सीडाइजेशन की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह ये स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीचिंग एजेंट होता है, क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट होता है, ओजोन ब्लीचिंग एजेंट होता है, CLO2 ब्लीचिंग एजेंट होता है। ब्लीचिंग एजेंट आपके पी ब्लॉक में चार पढ़ाया गया है, चार पढ़ाया गया है। सुना सारे लोग ये मैं नहीं लिखूंगा। क्लोरीन का ब्लीचिंग एजेंट परमानेंट होता है, ओजोन का भी परमानेंट होता है, CLO2 का भी परमानेंट होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का ब्लीचिंग एजेंट क्या कहते हैं इसको टेम्प्ररी होता है, ड्यू टू रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या है तो देखो कैसे ये रिएक्शन शुरू करेगा, बहुत आसान है। अभी मैंने बताया कि CL2 का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो HCl और HClO बनता है। HClO चूंकि थोड़ा सा अनस्टेबल है तो ये बिहारी HCl और नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है। इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से आप ये कह सकते हो कि क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। इससे ये साबित हुआ कि क्लोरीन जब भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शुरू करेगा तो HCl बनेगा। अगेन रिविजन, सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट करेगा तो SO2 माइनस करेगा, नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो NO2 बनेगा, HNO3 डायलूट करेगा तो NO और N2 बन सकता है, एबव PB बिलो PB का बन सकता है। SO4 का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज तो SO2 बनाएगा, ओजोन का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज O2 बनाएगा। समझा? तो उसी तरह ये है। अब देखो इसमें आसान रिएक्शन सब और क्लोरीन है, कहेगा फेरस सल्फेट को किसमें कन्वर्ट करेगा, तो क्लोरीन उससे ऑक्सीडाइज होगा HCl में और दूसरे को करेगा रिड्यूस करेगा फेरस को फेरिक। ये आपके साथ लिखा हुआ होगा, समझा है? यहाँ पर एसिडिक मीडियम है तो Cl2I सब ऑक्सीडाइजिंग पावर की रिएक्शन। Cl2 है आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा कुछ HCl में और दूसरे को आयोडीन को आयोडिक एसिड में वाटर मिलाकर आप इसका बैलेंस करें। Cl2 है सल्फर डाइऑक्साइड को अगर दे दे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब करेगा तो उससे HCl में सल्फर डाइऑक्साइड को H2SO4 बैलेंस करना है, वाटर ऐड करके बैलेंस करना है। कुछ तो बोलिए आ रहा है समझ में? हेलो विरीपन। यस सर। यस सर। चलिए ये वाला स्लाइड लिखिए आप सर। ये है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, छोटी छोटी बातें समझ आपको जा रहा है।
निकलिया बताइए हेलो एवरीवन ये लिखिए फटाफट लिखिए क्लोरीन सल्फाइड को सल्फेट। अच्छा केमिस्ट्री में याद रखिए जब भी आइट फॉर्म रहे तो ये आइट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो हमेशा एट फॉर्म का होगा। सल्फाइड को सल्फ उससे सीएल में होगा और सल्फेट में कन्वर्ट होगा। पार्टिकल्स तो कर ही देंगे NO2SO4 और वाटर है। ये चार याद रखें क्लोरीन फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता है एंड I2 को आयोडिक एसिड में करता है सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में करता है सल्फाइड को सल्फेट में करता है। बस लैंग्वेज याद रखिए आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ देगा क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस सल्फर डाइऑक्साइड को चार ऑप्शन देगा सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरस एसिड इस तरह का ऑप्शन देगा। ये सब समझिए कि अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है। हाँ जितनी भी रिएक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर की है। ओके स्टूडेंट यस सर आप एरो पर नहीं ना भी लिखेगा लेकिन मैं जानबूझ के लिखा हूँ ऐसे टॉपिक मैंने लिखवा लिया है ऑक्सीडाइजिंग नेचर एरो पर लिखना कोई जरूरी नहीं है तो बस आपको प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने लिखा एग्जाम एग्जाम में ये सब लिखना है। यस सर अब देखिए यूज ऑफ क्लोरीन बहुत आसान है मेरे साथ साथ देखिए पहला है used as bleaching agent. Bleaching agent आप पढ़ चुके हैं क्यों है ऑक्सीडेशन की वजह से कलर कलर को कलरलेस कर। दूसरी बात used in the preparation of rice mainly ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें क्लोरीन ज्यादा है जैसे सच एज आप जैसे ले लीजिए क्लोरोफॉर्म हुआ CCl4 हुआ DDT हुआ सिंथेटिक सबसे इंपॉर्टेंट ये है यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैस तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। सबसे पहला नाम है फॉस्फीन गैस CO2
दूसरा है जो पुलिस वाले टीयर्स गैस प्रोड्यूस करते हैं। फॉर्मूला याद रखिएगा, तो इस फॉर्मूला सब आपको याद रखना है। तीसरा याद रखिएगा मस्टर्ड गैस। CS2 है, CS2 है, S है, CS2 है, CS2 है, C। ये क्लोरीन के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। सर वो DDT क्या है? एक स्प्रे होता है ना इंसेक्टेरिया इंसेक्टिसाइड वगैरह, उसका यूपीएससी नाम होता है। ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे पहले चैप्टर में, हेलो एल्केन हेलो ओलेंस लास्ट पेज पर फॉर्मूला बनाएंगे। ओके डीडीटी में ओके सर, उसके उसके फॉर्मूले में क्लोरीन आता है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ज्यादा क्लोरीन है, CCl4 जैसा। डीडीटी के भी फॉर्मूले में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है, ठीक है? यस सर। आगे बढ़ें, जल्दी बताएं सारे लोग। यस सर। का इंसेक्टिसाइड को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ें, सारे लोग ने लिख लिया। हेलो एवरीवन। यस सर। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको लिखिए, टॉपिक डालिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्वा रीजिया। नाम सुना है या नहीं सुना है ये पहले बता देता हूँ। सुना है सर। सुना है सर। तो देखिए पहली तो बात लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा एक्वा रीजिया, ये सब आपके सिलेबस में कर लीजिए। इस द मिक्सचर ऑफ थ्री पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड वन पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3, यानी 3:1 मिले हैं। अच्छा पर्पस क्या है? इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व नॉबल मेटल गोल्ड एंड प्लैटिनम। अब मैं इसके बारे में सब कुछ अच्छे से बताता हूँ। गोल्ड एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आती है। एक्वा रीजिया इज द मिक्सचर ऑफ थ्री पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड वन पार्ट्स ऑफ HNO3, और इसका काम क्या होता है? एक्वा रीजिया इज यूज टू डिसॉल्व नॉबल मेटल गोल्ड एंड प्लैटिनम को डिसॉल्व करता है। आपके बारे में जल्दी बताइए। प्लीज सुनिएगा, क्या आपने नहीं पढ़ा था? ये लाइन आपको लिखाया जा चुका, सुने अच्छे से। गोल्ड एंड प्लैटिनम जो होता है, गोल्ड कंसंट्रेटेड HNO3 हो के साथ या एक, आपको मैं लिखा चुका हूँ कि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है, दो मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता, गोल्ड या प्लैटिनम। नोट्स में देखिए, स्वस्ति भंडारी इस बात की गवाह है कि मैंने लिखाया, अगर लिख दे तो कहिए नो रिएक्शन। प्लीज सो नॉबल मेटल अगर अकेला, उसी तरह अगर AuPT वो कंसंट्रेटेड एसिड किसी भी एसिड में,
जितना भी एसिड है ना, कोई भी एसिड ले लो उसमें AUP लेटरन डालोगे, नो रिएक्शन, रिएक्शंस करेगा एक्वा रिजिया के साथ। जब दोनों को मिक्स करके एक्वा रिजिया गैस बनाओगे तो फिर इसलिए कहा गया कि यूज टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। ऑब्जेक्टिव में क्या सब पूछेगा वो हम आपको बताएंगे, पहले तो आपको पर्पस है, एक पहला क्वेश्चन तो यही है एक्वा रिजिया इज यूज टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। नाइट्रिक एसिड डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, कर ही नहीं पाता, इतना नॉबल मैटर है ये क्या है, ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पाता है। सुना सब लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. हाँ, पहले तो इस लाइन को लिखिए, फिर इसका रिएक्शन कैसे याद रखना है वो मैं सिखाऊंगा। बोलिए बोलिए, हेलो एवरीवन, इसलिए सर आपको ये ट्रिक्स याद रखना है कि जब भी एक्वा रिजिया जो होता है ना, एचएनओ थ्री लिखेगा नहीं, अब सुनिए अच्छे से, थ्री एचसीएल है, क्या क्या बनेगा, एनओसीएल बनता है, NO बनता है, सॉरी भी देख सकते हैं, या NOCl और NOCl प्लस NO भी लिख सकते हैं, बात है उसको नाइट्रोसिल क्लोराइड का। पहले तो ये याद रखें, ये एक्वा रिजिया जब आपस में रिएक्शन करता है तो NaCl एंड NO प्लस वाटर बनाता है। आप देखें लिखेंगे, AU के बारे में आपको ये याद रखना है, देखिए मैं दो तरीके से समझाऊंगा, एक आसान वे में कि जब भी एक्वा रिजिया के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको सेकंड टर्म में पढ़ना है AuCl4, ये पहले याद रखें, AU एक्वा रिजिया के साथ रिएक्शन करता है तो AuCl4, जबकि AU प्लस वन में स्टेबल होता है, लेकिन AU प्लस थ्री इसलिए स्टेबल है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये लीगेंड है, लीगेंड है, DNA ब्लॉक फॉर्म, D ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, तो कॉम्प्लेक्स बनाता है, AU प्लस वन स्टेबल होता है, AU प्लस थ्री अनस्टेबल है, इसलिए ज्यादा पार्ट क्लोराइड कर दिया गया, क्लोराइड लीगेंड होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, तो AU प्लस थ्री स्टेबल होता है कॉम्प्लेक्स में। कोई ऐसे लिख देगा AuCl3 unstable, AuCl ही बनाता है, यहाँ पर क्यों प्लस थ्री है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सिमिलरली प्लैटिनम, सुनिए अच्छे से, एक्वा रिजिया के साथ रिएक्शंस करेगा, और यही पे आप पढ़ा नहीं है अभी, वरना इस पर पांच छह टाइप का क्वेश्चन बनेगा, आपको कहेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो पढ़िएगा DSP2, हाइब्रिडाइजेशन DSP2, एक होता है SP3 तो DSP2 भी होता है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। कहेगा कि एक्वा रिजिया के साथ जब AU ने रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट का हाइब्रिडाइजेशन बताएं, चूंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं पढ़ा है, लेकिन चूंकि ये P ब्लॉक में है इसलिए थोड़ा सा आपको क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि AU जब एक्वा रिजिया के साथ रिएक्शन करता है तो AU का ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं, यहाँ पर प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लैटिनम जब करे तो ये याद रखिए PtCl6 यहाँ पर प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट, जब तक ये याद नहीं रहेगा तो NCRT की रिएक्शन आप समझ ही नहीं, एक्वा ये सब सोलोबल है, एक्वा ये सब सोलोबल है, समझा, सोलोबल डिसॉल्व। अब देखिए इसको NCRT ने किस फॉर्म में लिखा है, मैं उसको याद करा देता हूँ, देखिए और से सुनिए, AU है, आप बताइए एक्वा रिजिया में HNO3 है, बोलिए हाँ या ना, बोलिए ना, एक्वा रिजिया में तो उससे आप NO3- मानिए, और क्या क्या है, HCl है तो क्लोराइड आयन, आयन्स के फॉर्म में बस, और आप पहले ये याद रखिए कि ये एक्वा रिजिया से जो आया इसके साथ रिएक्शन करके ये AuCl4- बनाया, और आपने देखा एक्वा रिजिया से एक NO बना था, बस बाकी अपना तरटिए,
बाकी आप अपने से लिखिए AU का N जीरो है N फैक्टर, यहाँ प्लस थ्री है N फैक्टर हो जाएगा थ्री, यहाँ प्लस फाइव है यहाँ प्लस टू है, यहाँ भी N फैक्टर हो जाएगा थ्री, दोनों का कॉमन ले लीजिए वन और वन, इसकी क्योंकि उसके वन को इससे तो हो गया AU1 CL4 नाइट्रोजन एक, बस ऑक्सीजन की कमी है तीन, यहाँ एक दो ऑक्सीजन की कमी है तो दो वाटर हो गया, 4H+ हो गया। ये है एनसीईआरटी में, इतनी बड़ी रिएक्शन स्टूडेंट को समझ में नहीं आती, इसलिए पहले आसान वे से समझने के लिए ये जानना होगा कि एक्वा रीजा के साथ AuCl4- बनाता है। बोलिए क्या बनाता है AU एक्वा रीजा के साथ, बोलिए ना AuCl4-। हाँ अब इनसे अब आपको स्टूडेंट पढ़ेगा कहेगा ये कितना है भाई, कौन याद करेगा, नहीं आपको मैंने ट्रिक्स दे दिया। उसी तरह प्लैटिनम है एक्वा रीजिया से NO3-, एक्वा रीजिया से Cl- कहे तो पहले तुम PtCl6-2-, ये तो पढ़ना पड़ेगा। अब दूसरा NO है बस फिर स्टाइल मारिए 0-4 N, इसलिए N फैक्टर जानना चाहिए, अगर N फैक्टर नहीं मालूम होगा तो आप डायरेक्ट मेथड से भी बैलेंस नहीं कर सकते। बोलिए ना N फैक्टर आपको जानना जरूरी है। अब यहाँ प्लस फाइव है यहाँ प्लस टू है तो क्या हो जाएगा N फैक्टर थ्री नहीं हो जाएगा, इसकी टोपी उसके सर थ्री एंड फोर, तो थ्री पीटी तो थ्री कर दिया, फोर नाइट्रोजन तो फोर कर दिया, 18 क्लोरीन तो 18 कर दिया, 12 ऑक्सीजन फोर तो 8 ऑक्सीजन की कमी 16H+। दिस इज स्टाइल, यू नो आया समझ में। हेलो एवरीवन, हेलो सर, यस ये आपको एनसीईआरटी में है। अब इस तरह पढ़ने में आपको टफ लगेगा तो उसको क्या कीजिए, तोड़ तोड़ के पढ़िए, जो ना समझ में तोड़ तोड़ के पढ़िए। ये आपको मैंने समझाया कि आपको ये समझ में कि NO बनता है AU एक्वा रीजिया के साथ AuCl4- बनाता है, कोई कंफ्यूज करेगा मैंने इसलिए बता दिया। Au+3 इज अनस्टेबल बट इट इज स्टेबल इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हेलो आया समझ में, हेलो यस यस। AU की वैलेंसी बन देख लीजिए ना, मैं आपको बताता हूँ AU का जब आप लिखते हैं तो लास्ट में एक्सेप्शनल केस आता है 4F14 5D10, देखिए ना 6S1 है 1 है 1 1 1 प्लस 3 हुआ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की वजह से, तो आप इसलिए हर चीज को लॉजिक से याद रखिए। अरे AuCl क्यों नहीं बना तो कॉम्प्लेक्स, इसलिए Cl ज्यादा है, इसलिए नाइट्रेट आयन लिगेंड की तरह उतना अच्छा नहीं करता, Cl बेस्ट लिगेंड कहलाता है। चलिए लिख लीजिए सारे लोग, हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है? लाख जी, मानस वन जी, मानस बिन, अमानत जोशी, अनुभव जोशी, क्या नाम है उसको, आसिया, यशवर्धन, हर्षित एंड स्वस्ति, सबका नाम याद हो गया? यस सर, यस सर। ये है तो नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास। अब क्या पढ़ना है आपको पी ब्लॉक में, जल्दी बताइए क्या बच गया? आप एक ग्रुप एडी हाँ, वो एकदम एक क्लास का है, एक घंटे का है, संडे हम आपको बुला लेंगे, कोई ठीक नहीं है सैटरडे को बुला लेंगे, सैटरडे को भी बुला सकते हैं, बस आप रेडी रहिए। अरे बोलिए ना, हेलो yes. अभी अब उसके बाद ट्यूजडे से मंडे से ऑर्गेनिक पहला टॉपिक आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हैलोएल्केन के अंदर है। तो लक्ष्य जी, क्या आपने चारों लेक्चर को देखा? लास्ट लेक्चर रहता है। हाँ ओके, कोई बात नहीं, उसको देख लीजिए, एकदम हल्का हल्का देखिए, एक दो लेक्चर और भेज दूंगा मैं, ठीक है? दो तीन लेक्चर, कोई बात नहीं, नोट्स भी बना रहे हैं, कॉपी अलग बना लीजिएगा लेक्चर, है ना? Yes. नोट्स को एकदम अच्छे से बनाइए, उसको पढ़िए। इसलिए मैं पहले आइसोमेरिज्म शुरू कर रहा हूँ, जानबूझ के कि आप GOC को पढ़ते रहिए, और क्योंकि आइसोमेरिज्म में आपको कंसेप्ट नहीं है GOC का, आइसोमेरिज्म एंटायरली डिफरेंट है। मैं चाहता तो हैलोएल्केन ही शुरू करता, लेकिन हैलोएल्केन का ही एक पार्ट है आइसोमेरिज्म, इसलिए कि बच्चे उस वक्त तक धीरे धीरे देखते देखते देख लें GOC। चलिए बताइए, वाला पार्ट लिख लिया, हेलो एवरीवन, ऐसे लिखिए। थैंक यू,
ये कैसे याद रखेंगे, समझ में आ गया बैलेंसिंग सब भी? बैलेंसिंग तो मैंने इतना पढ़ा दिया आपको, एन फैक्टर एन फैक्टर, शायद आपको तो याद भी हो गया होगा एन फैक्टर, बोलिए तो याद नहीं हो गया होगा, ये तो जुबानी याद हो गया होगा, हमको लगता है कि आपको 10 साल तक याद हो जाएगा एन फैक्टर। ये है और स्वस्ति पर्दे पर रही है ना इनऑर्गेनिक, स्वस्ति भंडारी बोलिए ना, हाँ हर दिन पर ये एकदम, जैसे ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा फिर क्या करना वो भी हम आपको सिखाएंगे। नी ब्लॉक ओवरऑल इनऑर्गेनिक का बहुत बड़ा चैप्टर भी है, आता ही है क्वेश्चन जी मेंस में उठाइए, और अभी शायद बोर्ड के भी सिलेबस में शायद 10 नंबर का है शायद, आप लोग को ज्यादा पता होगा। चलिए डन टू डन, ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरी